हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाउन के टॉपिक को। नाउन के टॉपिक को बहुत बेहतरीन हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, और ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, और इनको हम लोग एक साथ ही डिस्कस करेंगे। और लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पर गिवन हैं, और 50 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों जो आप लोगों को देनी है। इन्फॉर्मेशन ये है कि ध्यान रखना, जो हमारा बैच चल रहा है दोस्तों, बैच ये बेसिकली बैच है दोस्तों, ये इंडिविजुअल इंग्लिश के लिए ध्यान रखना। ये जो बैच की टाइमिंग है, एक टाइमिंग है दोस्तों 8 AM से 10 AM तक चलता है, जो MBA बुक प्रैक्टिस होती है दोस्तों। इसमें ही आपको न्यूज़पेपर दिया जाता है, न्यूज़पेपर रीड कराया जाता है दोस्तों, और इसकी समरी कैसे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन यहाँ सॉल्व करना बताया जाता है ना दोस्तों। और जो आपका दूसरा बैच है वो है दोस्तों 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक, ये 4 PM, 2 से 4 PM, ये बेसिकली फंडामेंटल इंग्लिश है दोस्तों। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं, जो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये हमारा नंबर है, ध्यान रखेंगे, ये नंबर गिवन है दोस्तों, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर कैसे हम इन्फॉर्मेशन क्या लेनी है, इस नंबर या फिर ये नंबर, दोनों नंबर जो गिवन है इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जया ज्योत्सना वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 2 10 रुपीज नोट, है ना, नो इरर। अब इसमें ज़रा देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें आपको बताना क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो आपको सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों हैं, जया ज्योत्सना नाम है, एक ही व्यक्ति हैं, अपने फ्रेंड्स के घर गए हैं और उन जो गेव और उन्हें क्या दिए भाई, 2 10 रुपी नोट्स। ध्यान रखना दोस्तों, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों नाउन के पार्ट में, जो यूनिट से रिलेटेड होता है, ध्यान रखना दोस्तों, जब नाउन और नाउन वो भी न्यूमरल हो, न्यूमरल वर्ड्स हो, किसी हाइफनेटेड नाउन से जुड़ा हो, दोस्तों, तो ऐसे नाउन कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। ध्यान रखना, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो अच्छा, एक बात और यहाँ समझा दें दोस्तों, जरा देखिए, नोट, एक प्रकार का नाउन है कि नहीं दोस्तों, नोट क्या है, नाउन है। अब इस नाउन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नोट कितने का है, वो 10 रुपए का है, कि नहीं दोस्तों, नोट 10 रुपए का। और नोट की संख्या कितनी है, 2 है, 2 कितने, 2 क्या है, नोट है, 2 क्या है, नोट है दोस्तों। तो नोट नहीं होना चाहिए, पहली बात तो हमें क्या लिखना होगा, जब 2 क्या है, नोट है, तो नोट्स होना चाहिए, और 10 रुपीज़ को 10 रुपी लिखना होगा दोस्तों। समझ में आया, 10 रुपी लिखना होगा, ये क्लियर। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। तो इसमें सी ऑप्शन, पहले क्वेश्चन में दोस्तों सी ऑप्शन को प्रेफर करेंगे आप लोग, सी, इसमें जो इरर है वो है सी। सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं दोस्तों, इसमें इरर, यू विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये थोड़ा दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बताए जैसे फ्रंट, ध्यान रखना दोस्तों, मैं ये सुपर फ्लॉस का ही बनता है, मैंने लिख दिया यहाँ पर फ्रंट, है ना, अब फ्रंट लिख दिया दोस्तों, लेकिन ज़रा एक बात बताइए, फ्रंट का मतलब सामने ही तो हुआ ना, एक प्रकार का ये भी तो साइड ही हुआ, तो यहाँ साइड सुपर फ्लॉस है, साइड क्या है दोस्तों, सुपर फ्लॉस है, ये नहीं यूज़ होना चाहिए। जैसे बैक, आपने बैक कह दिया, जब बैक कह ही दिया आपने, तो इसमें साइड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ध्यान रखना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, की बात करें तो यहाँ दूसरे में आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, सेकेंड में भी सी ऑप्शन। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, माई सन इज़ रीडिंग दिनकर्स एंड निरालास पोएट्रीज,
तो इसमें ध्यान रखना दोस्तों, ये बताया जाता है कॉन्सेप्ट कि कुछ नाउन होते हैं जिनका कभी भी प्लूरल नहीं यूज किया जाता है, तो पोएट्री का पोएट्रीज नहीं बनता, इसमें भी सी ऑप्शन एरर होगा। नेक्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर चलते हैं दोस्तों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस एज वेल एज फॉर डॉट्स। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये भी डॉट्स का भी प्लूरल नहीं बनता है, कुछ खेलों के नाम होते हैं, है ना, कुछ खेलों के नाम होते हैं डॉट्स, ये खेल के नाम होते हैं, है ना, तो ध्यान रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव नंबर है, तो माय फ्रेंड वेंट टू मुंबई एंड स्पोक टू गोविंदास द एक्ट्रेस यस्टरडे। गोविंदास द एक्ट्रेस यस्टरडे, तो गोविंदास द एक्ट्रेस, है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि मेरा मित्र जो है मुंबई गया और स्पोक बोला किससे, गोविंदा इज द एक्ट्रेस सेक्रेटरी, तो यहाँ पर गोविंदा के एक जो कि एक एक्ट्रेस है उनका सेक्रेटरी, तो ये बताएगा दोस्तों डबल पोस्टॉप स्पीस, सॉरी डबल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हम एक वाक्य में नहीं करते, ठीक है ना दोस्तों, डबल पोस्टॉप स्पीच का, सॉरी डबल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको यूज करना होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर देखते हैं दोस्तों। चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशंस टू द एल्डर्स सोसाइटी। चिल्ड्रन शुड नॉट सीक, बच्चों को नहीं ढूंढना चाहिए, है ना, एडमिशंस कह रहा है टू द एल्डर्स सोसाइटी, एल्डर्स सोसाइटी का मतलब, तो यहाँ पर एडमिशंस नहीं होना चाहिए दोस्तों, रखना हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को प्रीफर करना है, सी, यानी कि किस ऑप्शन को प्रीफर करेंगे दोस्तों, ए ऑप्शन। सेवन नंबर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेस अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग। तो सेवन नंबर की बात आप लोगों को बता दें, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि इनिंग ये अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज किया जाता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, जो इनिंग है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, आठ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। सी डज नॉट कट पेपर विथ ब्लेड बट विथ अ सीजर्स। तो यहाँ पर भी वही नाउन का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हम नाउन के कॉन्सेप्ट में आपको समझना होगा कि जरा ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर एट नंबर क्वेश्चन में, तो एट नंबर कहना क्या चाह रहा है, एट नंबर कह रहा है कि यहाँ पर सीजर्स, हाँ ध्यान रखें दोस्तों, सीजर का कभी भी सीजर्स नहीं बनता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सीजर्स, सीजर्स होता है, यही इसमें कभी भी इसका यह सही सटाया नहीं जाता, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, इस बात ध्यान रख, सीजर को जो लिखा जाता है यस सी आई डबल एस ओ आर एस, है ना, ये सीजर्स होता है, इसका हम यस एस नहीं हटाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल ही होते हैं, इनका यस एस हम नहीं हटाते हैं, तो इस गलती क्या है दोस्तों, तो यहाँ इस ये अपने आप में प्लूरल होते हैं तो इसके पहले ए का यूज नहीं किया जाना चाहिए, इज दैट क्लियर। एट नंबर हो गया दोस्तों, नाइन नंबर चलते हैं हम लोग। नाइन नंबर क्वेश्चन की बात करें, आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्ट्स व्हील वॉज ब्रोकन। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये भी अपोस्ट्रॉफी का क्वेश्चन है, दोस्तों अब जरा इसका कहाँ से समझ लीजिए, ये अपोस्ट्रॉफी होता क्या है, इसमें आपको बताया गया कि किसी भी प्रॉपर नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म बनाने के लिए उसकी तीन कैटेगरी दोस्तों। फर्स्ट कैटेगरी होती है अपोस्ट्रॉफी के द्वारा, दूसरा अपोस्ट्रॉफी एस के द्वारा, तीसरा ऑफ के द्वारा, ये तीन कैटेगरी होती है। जैसे कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलता है दोस्तों इस तरीके से, राम कार, है ना, तो देखिए दोस्तों
यहाँ पर दो दो नाउन एक साथ यूज किए गए हैं, राम का भी प्रयोग किया गया है और कार का भी प्रयोग किया गया है। देखिए दो दो नाउन का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों। तो यहाँ पर कंडीशन बनती है कि राम पर हमें इसको एडजेक्टिव फॉर्म बनाएंगे और इस पर एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। अब कैसे यूज करेंगे? एपोस्ट्रॉफी का यूज वहाँ करते हैं दोस्तों जहाँ पर या तो यस आए वर्ड के लास्ट में या फिर यस की साउंड आए। ध्यान रखना दोस्तों, यस की साउंड आए या साउंड आए तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। और एपोस्ट्रॉफी यस का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों? एपोस्ट्रॉफी यस का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर ना तो यस आए और ना ही यस की साउंड आए। आपका यूज लिविंग नॉन लिविंग दोनों के साथ करते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, चलिए क्वेश्चन विचार कर लेते हैं। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यस नॉन लिविंग पर यूज नहीं किया जाता है, तो कॉर्ड्स जो है नॉन लिविंग है, इसीलिए 9 नंबर क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखा इसमें जो ऑप्शन आपका एरर है वो ऑप्शन है दोस्तों, ज़्यादा ध्यान रखेंगे वो बी ऑप्शन है, क्योंकि बी ऑप्शन में कार्ट पर ध्यान रखना दोस्तों, इस कार्ट पर जो ये कार्ड्स लिखा है इस पर एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसे हम लिखना चाहिए मैं दोस्तों द व्हील ऑफ द कार्ट, इसे लिख सकते हैं व्हील ऑफ द कार्ट। क्या लिखेंगे दोस्तों? मैं लिख रहा हूँ व्हील ऑफ द कार्ट, ये लिखना होगा ये। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स। 5000 नहीं होगा दोस्तों, 5000 होना चाहिए, 5000 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए इसका बी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्या कहता है दोस्तों? 11 नंबर की बात करें तो कह रहा है देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन धनंजय मृत्युंजय ज्वाइंट अकाउंट। धनंजय मृत्युंजय ज्वाइंट अकाउंट, तो बताया गया कभी भी एक साथ दो दो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों। धनंजय और मृत्युंजय पर एक ही पर जो है एपोस्ट्रॉफी यूज़ करना होगा, तो हमें बी ऑप्शन प्रेफर करना होगा। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर देखिए दोस्तों, 12 नंबर, 12 नंबर की बात करें, 12 नंबर की बात करें दोस्तों तो दे आर अवेटिंग एडवाइसेस। तो एडवाइसेस ध्यान रखो दोस्तों, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एडवाइसेस अनकाउंटेबल नाउन है, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, तो एडवाइस का कभी भी एडवाइसेस नहीं बनता है। समझ में आ रही बात है? एडवाइस का कभी भी एडवाइसेस नहीं बनता है, तो यहाँ पर आपको जो प्रिफर करना है दोस्तों वो है आपका ए ऑप्शन। चल नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप लोग जरा इसको ध्यान रखेंगे। अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि किसी भी न्यूमरल वर्ड्स ध्यान रखो दोस्तों, न्यूमरल वर्ड्स की बात करें तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ न्यूमरल वर्ड्स। अब न्यूमरल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हंड्रेड्स, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, है ना, ये न्यूमरल वर्ड्स हैं दोस्तों। अगर ये न्यूमरल वर्ड्स दिए गए हों तो अगर इनके पहले ध्यान रखना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये न्यूमरल वर्ड्स के पहले कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो इन न्यूमरल वर्ड्स का कभी भी प्लूरल नहीं बनाते। समझ में आ गई बोल दोस्तों? यानी कि इन न्यूमरल वर्ड्स के बाद कभी भी यस अथवा ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? जब इनके पहले कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो। समझ में आ गई दोस्तों? लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, मैं यहाँ लिखने के चल रहा हूँ दोस्तों। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इन न्यूमरल वर्ड्स
इन न्यूमरल वर्ड्स के पहले किसी भी डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग ना किया गया हो तो इनका हम प्लूरल बनाते हैं, यानी कि इनमें यस या यस का प्रयोग करते हैं और इनको ऑफ से जोड़ते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो ज़रा इस पर ध्यान रखेंगे, इन पर हम विचार करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ज़रा देखिए 13 नंबर, तो यहाँ पर थाउजेंड के पहले ये न्यूमरल वर्ड है, इसके पहले कोई डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आया है और ये प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़ा है, तो इसे थाउजेंड नहीं थाउजेंड्स लिखना होगा। समझ में आ गया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर है, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स, ये ध्यान रखना एक प्रकार की नेम ऑफ सब्जेक्ट है दोस्तों। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, तो इसे हम यस या यस, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, तो लिंग्विस्टिक्स होना चाहिए। समझ में आ गई दोस्तों बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 15 नंबर। ऑन हिज वे टू द फील्ड गोलू सा अ फ्लॉक ऑफ शिप्स। सर सिप प्लूरल है, मतलब सिप ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है। सिप जो है ये ऑलरेडी प्लूरल है, सिप ऑलरेडी प्लूरल है भाई, है ना, ध्यान रखेंगे सिप ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है। इसमें कभी भी कौन कौन से वर्ड होते हैं मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिप हो गया, फिश हो गया, है ना, डियर हो गया, और आपका कैटल हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी में आपके आ जाते हैं 5P की जो कैटेगरी रखते हैं। 5P का मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों? पुलिस हो गया, पीपल हो गया, पोल्ट्री हो गया, सब नोट कर लीजिए, पोल्ट्री ध्यान रखना दोस्तों, पोल्ट्री POULTRY पोल्ट्री, और कौन 5P बता रहे, पिजेंट्री PEASENTRY पिजेंट्री, पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, पिजेंट्री, पीजेंट PEASENT पीजेंट, ये सभी वर्ड लिख लीजिएगा। ये 5P हैं, ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। इज दैट क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट चलिए, यहाँ किस क्वेश्चन में किस ऑप्शन में गलती है दोस्तों? तो यहाँ पर जो है शिप का प्लूरल नहीं बनता। समझ में आ गई ना बातें? शिप का प्लूरल नहीं बनता। नेक्स्ट बात करते हैं, सक्सेस इज मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया। अच्छा, बहुत अच्छा वर्ड है, हमने नाउन की कैटेगरी में पढ़ा था दोस्तों, जैसे क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं ध्यान रखना दोस्तों, बात करें जो ग्रीक एवं लैटिन बने होते हैं। जैसे कहीं बात करें हम क्राइटेरियन, CRITERION क्राइटेरियन का प्लूरल क्या बनता है? क्राइटेरिया, CRITERIA, ये क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया है। ऐसे मेमोरेंडम, MEMORANDUM मेमोरेंडम का जो प्लूरल बनता है दोस्तों, मेमोरेंडा बनता है, याद करिए। ये कुछ ग्रीक और लैटिन आप लोगों को लिखाए गए हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन एरर है आपका वो है क्राइटेरिया, क्योंकि इसके पहले आपने देखा दोस्तों यहाँ पर ए लगा हुआ है ना, ए की वजह से क्राइटेरिया नहीं होगा, क्राइटेरियन होना चाहिए, ठीक है ना, क्राइटेरियन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आपका एरर है वो ऑप्शन है बी, क्लियर हो गया, क्राइटेरिया को हमें हटाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 17 नंबर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए 17 नंबर की बात करें, 17 नंबर में क्या एरर हो सकता है दोस्तों? तो
तो यहाँ पर विचार करते हैं 17 नंबर में, फाइव मेन। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ कर क्या है कि हाइफनेटेड नाउन का प्लूरल नहीं बनता, अब तेजी से होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको मैन लिखना होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, माई पेरेंट्स ऑब्टेंड मेनी इन्फॉर्मेशन। देखो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं बनता है, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 19 नंबर की, दीपा हैज़ 4 मैन सर्वेंट्स। फिर आ गया इधर, हमने कहा था ना दोस्तों कि जब किसी कंपाउंड, ध्यान रखना, अब इसको यहाँ पर भी समझा दूँ आपसे, एरर तो आपका इस ऑप्शन में है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब एरर क्या है इसमें समझे, आपसे कह दिया गया कि जब कोई हाइफनेटेड नाउन, ये हाइफनेटेड नाउन है दोस्तों, समझ में आ गया, यहाँ पर ये हाइफनेटेड नाउन है कि नहीं, मैन और सर्वेंट। जब कभी हाइफनेटेड नाउन यानी मैन या वुमेन पर बनाओ, मैन या वुमेन पर बनाओ, जब इनका प्लूरल बनाते हैं तो हम दोनों नाउन का प्लूरल बनाते हैं, है कि नहीं, दोनों नाउन का प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना, मैन या वुमेन्स जो बनते हैं तो दोनों नाउन का प्लूरल बनते हैं, तो यहाँ पर 4 मेन सर्वेंट्स होना चाहिए, 4 मेन सर्वेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैन को रिमूव कर दीजिए, यहाँ पर जो आपको लिखना है वो लिखना है मैन लिखना है, ठीक है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 20 नंबर, कस्टम इज पेड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। कस्टम रीति रिवाज की बात नहीं कर रहा है, वर्ड नोट कर लीजिएगा, CUSTOM, ये कस्टम, CUSTOMS, दो कस्टम्स हो गए, है ना। ये कस्टम होता है दोस्तों जो आपका रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज, ठीक है, ये कस्टम होते हैं। और दूसरा जो कस्टम्स होता है वो आपका है, और टैक्स होता है एक प्रकार का, जो एक्साइज ड्यूटी होती है, टैक्स जो कर होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर कस्टम्स की बात करा जो, तो यहाँ पर कस्टम में यस या यस लगाना होगा दोस्तों, इधर रखना, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको यस लगाना है, कस्टम्स। 21 नंबर क्या इधर है, चलिए 21 नंबर दोस्तों इसको आप सॉल्व करें। इसमें जो है कह रहा हर सिस्टर इन लॉज, तो ध्यान रखना दोस्तों, जब कभी भी, मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताने चल रहा हूँ, जब कभी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं, तो प्लूरल बनाने के लिए उस कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में, कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में ही हम यस या यस को सफिक्स करते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड नाउन कैसे, जैसे कि कंपाउंड नाउन में लिख दिया दोस्तों, लिखना चाहूँ कि मैंने लिख दिया यहाँ पर, थोड़ा कलर दूसरा ले ले, ब्रदर इन ला, ठीक है ना। अब ब्रदर इन ला लिख दिया दोस्तों, तो इसको प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल बनाने के लिए आपको लिखना होगा, तो इसमें मेन वर्ड ब्रदर्स हो जाएगा, इन ला, तो ये ब्रदर मेन वर्ड है, तो यहाँ पर ब्रदर्स हो जाएगा। गलती समझ में आ गई, तो जब गलती समझ में आ गई दोस्तों, तो इसमें एरर क्या है, तब आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरर क्या हो सकता है। इसमें सिस्टर्स इन ला नहीं, लाज नहीं, सिस्टर्स करना होगा, यहाँ पर यस या यस लगाना होगा। गेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है दोस्तों, 22 नंबर की बात करें, चलिए 22 नंबर हम लोग एरर फाइंड आउट करते हैं। मशीनरीज, पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आप लोगों को मिल गया कि मशीनरीज, मशीन का मशीनरीज नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो ए ऑप्शन एरर होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म ऑफ मूवमेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म्स, तो रिफॉर्म नहीं, वन ऑफ की बात ध्यान रखना दोस्तों, ग्रेटेस्ट
कंट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म, यहाँ पर कंट्रीब्यूशंस होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन नहीं कंट्रीब्यूशन, क्योंकि नोट कर लीजिए मैं यहाँ बता रहा हूँ दोस्तों कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो आपका प्लूरल होता है, लेकिन लेकिन जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, कंट्रीब्यूशंस होना चाहिए, समझ में आ गई बातें, क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है, 23rd नंबर, वन शुड यूज स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल नहीं दोस्तों, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल, क्योंकि ध्यान रखना जो जोड़े में होते हैं उनका हमेशा उनका जैसे इस नेट है प्लूरल, जैसे गॉगल्स, ये गॉगल्स ये जोड़े में होते हैं, है ना। जोड़े का मतलब दोस्तों इनके दो दो पार्ट है, दो दो पार्ट है, तो इनको कभी भी ऐसे एस हटाते नहीं है, ठीक है, स्पेक्टिकल्स होना चाहिए। 24 नंबर की बात करें दोस्तों, 24 में क्या एरर है, हाँ चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग रिटन बाई जोनाथन स्विफ्ट, तो यहाँ पर गुलिवर ट्रेवल्स एक प्रकार की नेम ऑफ बुक्स है, तो गुलिवर जो नेम ऑफ बुक्स है दोस्तों, तो ये अपने आप में ठीक है, कोई एरर नहीं है, गुलिवर ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग ये नेम ऑफ। अच्छा, कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि अच्छा ये प्लूरल है तो यहाँ पर आर लगा देना, नहीं, ये नेम ऑफ बुक्स है, नेम ऑफ बुक्स प्लूरल होते हैं, और सॉरी नेम ऑफ बुक्स जो है इसका जैसे ये सब नहीं हटाएंगे और इस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है दोस्तों, 26 है, देयर हैव बीन 10 वुमेन, अच्छा यहाँ पर 10 बताया था अभी, 10 आपको प्लूरल है कि नहीं दोस्तों, जब प्लूरल है तो 10 के साथ हमें यहाँ पर 10 के साथ वुमेन यूज करना होगा, इसका भी प्लूरल डब्ल्यू ओ एम ई एन। अच्छा, कई कई बच्चे ये सोचते हैं कि वुमेन्स ना कर दें, एम ए एन एस, ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है, वुमेन्स नहीं, वुमेन। नेक्स्ट आइए 27 चलते, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, ब्रदर्स जरा इस पर कौन से ब्रदर की बात करें दोस्तों, ब्रदर्स का यूज कहाँ करते हैं, ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल दो तरीके से बनता है, एक बनता है दोस्तों इस तरीके से ध्यान रखना, एक बनता है आपका ब्रदर में एस या एस लगा दें, ब्रदर से बन जाए या से एस लगा दें, और दूसरा बनता है इसका ब्रदरन, दूसरा क्या बनता है ब्रदर, में ज़रा कलर चेंज कर दूँ, ब्रदरन, ये ब्रदरन, तो ध्यान रखना ये भाईचारा, ये ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन ये ब्लड रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है ना, ये ब्लड रिलेशन नहीं होता, ठीक, तो इसमें भाईचारे की बन ब्रदरन होना चाहिए यहाँ पर, ब्रदर्स नहीं, तो आपको कौन सा ऑप्शन प्रेफर करना है दोस्तों, 27 का, 27 को आपको सी प्रेफर करना है, ब्रदरन। 28 द विडो हु लिव्स नियर हाउस इज पासिंग थ्रू मेनी क्राइसिस, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, मेनी लगा है, मेनी लगा है, तो मेनी के बाद क्राइसिस आया है, तो मेनी के बाद नाउन आपका जो है वो प्लूरल आता है, जब प्लूरल आता है तो क्राइसिस का प्लूरल क्या होता है, सी आर आई एस ई एस होना चाहिए, ये क्राइसिस होता है, गेटिंग पॉइंट। चल नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना, तो इज अ फिनोमिना प्लूरल है दोस्तों, ध्यान रखना फिनोमिनन होता है सिंगुलर, फिनोमिनन पी एच ई एन ओ एम ई एन ए एन, फिनोमिनन प्लूरल ए सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल बनता है फिनोमिना, तो यहाँ पर हमें सिंगुलर चाहिए, फिनोमिनन चाहिए, तो हमें यही प्रेफर करना होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, आई वेंट टू दिल्ली एंड बॉट मच गुड फॉर माय वाइफ, तो अच्छा ये अच्छा नहीं खरीदा भाई, अच्छाइयाँ नहीं खरीदा, गुड नहीं, गुड्स होना चाहिए, गुड नहीं, गुड्स होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 31 आ गया, अ नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग
रीडिंग दिस नोवेल बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नोवेल ऑफ इंडिया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट नोवेल्स, नोवेल्स वन आपके बाद आने वाला नाउन बताया गया, प्लूरल होता है, ठीक। चलिए 32nd, इफ़ द टीचर इज़ गुड द स्टूडेंट, इफ़ द टीचर इज़ गुड द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। तो ज़रा इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन को आप लोग बताएं भाई क्या एरर हो सकता है, क्या एरर हो सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द टीचर इज़ गुड, ज़रा इसको सुधारें भाई, है ना। इफ़ द टीचर इज़ गुड है ना, द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम, नो एरर, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको डी ऑप्शन प्रेफर करना है, नो एरर। 33, द बुक इज़ पॉपुलर एंड द सेल इज़ क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल मेजर सिटी, इन ऑल मेजर सिटी, सिटी नहीं सिटीज होना चाहिए, ऑल लगा हुआ दोस्तों, ऑल की वजह से सिटी नहीं सिटीज होना चाहिए, प्लूरल बनाइए इसको। 34 नंबर, इस कंपनी इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट, वन ऑफ द, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वन ऑफ द फ्यू कंपनीज होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर कंपनी नहीं कंपनीज होना चाहिए, गेटिंग पॉइंट, इसको इम्प्रूव कर लीजिए। 35 नंबर, तेजी करते हैं दोस्तों। ऑन माय वे टू द रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ यू, वन ऑफ योर फ्रेंड्स, वन ऑफ आ गया योर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, फ्रेंड्स, एफ आर आई ई एन डी एच। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दोस्तों डिस्कस, इन स्पाइट ऑफ फोर लेटर्स, लेटर्स कर दीजिए यहाँ पर, फोर लेटर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड ऑल द नेसेसरी डाटा ही डिड नॉट टेक एनी डिसीजन, एनी डिसीजन बिकॉज ऑफ एक्सट्रीनियस रीजंस, इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड ऑल द नेसेसरी डाटा ही डिड नॉट टेक एनी डिसीजन, एनी डिसीजन है एनी अदर डिसीजन, यहाँ पर जो ऑप्शन ऑप्शन इधर है आपका, यहाँ पर एनी अदर डिसीजन, एनी के बाद क्या लिखना होगा, अदर, एनी के बाद क्या लिखना होगा दोस्तों, अदर, ठीक है। 38 नंबर, आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस सिक्स ब्लॉक्स, क्योंकि सिक्स के बाद प्लूरल आया ना दोस्तों, यहाँ पर ब्लॉक्स में या सेस लगा दीजिए। 39 नंबर चलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स होना चाहिए, इज़ द यूज ऑफ टोबैको, तो यहाँ पर हैबिट्स बी ऑप्शन यूज कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर की बात करें, 40 नंबर, वन ऑफ द सर्जेंट केम, सर्जेंट नहीं यहाँ बताया गया, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, तो यहाँ पर यस ए एस लगाइए। चलिए 41, हिज लॉसेस एट द रेसेस मेड द यंग मैन लॉस द पीस ऑफ हिज माइंड, हिज लॉसेस, लॉसेस एट दिस रेसेस, यहाँ पर लॉस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन। 42, आई एम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग्स होना चाहिए, सम लगा हुआ है, इनडिफिनिट है और काउंटेबल की तरफ आया है, तो यहाँ पर आपको सॉन्ग्स यूज करना होगा, ठीक, सॉन्ग्स। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हर सिस्टर्स, यहाँ पर अभी अभी मैंने बताया दोस्तों, बताया है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, सिस्टर्स, प्लूरल, सिस्टर्स, कंपाउंड नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 44, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द सोशल रिफॉर्म वॉज हिज, तो वन ऑफ के बाद ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द सोशल रिफॉर्म्स है ना, तो यहाँ पर आपको रिफॉर्म्स होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 45, सम पीपल बिहेवियर टीचेस अस नॉट टू बिहेव दैट वे, सम पीपल बिहेवियर टीचेस नहीं होना चाहिए, टीच होना चाहिए, अस नॉट टू बिहेव, तो यहाँ पर आपको एरर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें टीच करना होगा, ठीक। चलिए
46 देख लीजिए, ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो देयर टेस्ट वेरी वेरी फ्रॉम वन अनदर वन अनदर। ठीक है दोस्तों, नो इधर इस क्वेश्चन में ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो देयर, इसलिए टेस्ट वेरी फ्रॉम, तो नो इधर इस ऑप्शन में क्या है, नो इधर। 47 नंबर दोस्तों, 47 बात है, ऑल द चिल्ड्रन हैव असेंबल ऑन द ग्राउंड एंड आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल टू कम। ऑल द चिल्ड्रन हैव असेंबल ऑन द ग्राउंड, ऑल द चिल्ड्रन की बात कर रहा है, एंड आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल, नो इधर दोस्तों, है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 48, लेट यू एंड आई, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए दोस्तों, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ पर यू तो ठीक है, लेकिन हमें आई के स्थान पर मी लिखना होगा। गेटिंग पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर बट आई डोंट नो द रीजन, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर, तो ही लुक्स देन सी होना चाहिए, कंपैरिजन समान होना चाहिए दोस्तों, जब कंपैरिजन समान होगा तो समान हमें रखना होगा, तो यहाँ पर हमें रखना होगा सी। 50, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाई देमसेल्व्स, इफ़ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाई देमसेल्व्स, देमसेल्व्स नहीं होना चाहिए भाई, है ना, देमसेल्व्स नहीं, गुड टू पीपल तो स्वयं, है ना, तो यहाँ पर योरसेल्व्स कर दीजिए, यहाँ पर योरसेल्व्स कर दीजिए, ये इधर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, तो ये नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है दोस्तों। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।